Hey guys, I hope you're all doing well. Guys, I am back once again to discuss another IPL team with you guys in our new series, whereby we look at each of the 8 participating teams of the IPL 2021. जी हाँ, हमारे इस नए वीडियो सीरीज में हम IPL के 8 पार्टिसिपेटिंग टीम्स यानी कि 8 फ्रेंचाइजेस पे इन डेप्थ इन डिटेल नजर डालते हैं और असेस करने की कोशिश करते हैं टीम के स्ट्रॉन्गर एरियाज यानी कि स्ट्रेंथ्स को, कुछ वीक एरियाज या वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को और कुछ थ्रेट्स जो हमें नजर आते हैं कि शायद टीम फेस करे इन द अपकमिंग सीजन ऑफ द IPL. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई डू ट्राई टू गिव द टीम सम वॉट ऑफ रेटिंग, या मैं अपने हिसाब से अपने मुताबिक टीम को रेट भी करती हूँ. आज जिस टीम पे हम नजर डालने वाले हैं वो एक ऐसी टीम है जो 2 बार IPL की चैंपियनशिप जीत चुकी है. दे हैव वन द IPL टाइटल नॉट वंस बट ट्वाइस, बट ऑफ लेट दे हैव नॉट रियली बीन डूइंग दैट वेल. इनफैक्ट लास्ट सीजन भी उनका कुछ इतना खास नहीं गया एंड दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स एंड एंडेड अप एट नंबर 5 ऑन द पॉइंट्स टेबल. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स. क्या इस साल KKR है तैयार? वी फाइंड आउट. KKR का अब ये स्क्वाड जो है ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट लग रहा है. एटलीस्ट ऑन पेपर जब आप इस स्क्वाड को देखते हो तो आपको मोस्ट डेफिनेटली ये लगेगा कि हाँ, ये टीम डेफिनेटली साल कुछ अच्छा कर सकती है. और कुछ नए रिक्रूट्स भी किए हैं टीम ने इस साल, जो उनके एरियाज ऑफ वीकनेसेस थे लास्ट ईयर उन पर काम किया है और कुछ अच्छे प्लेयर्स की एडिशन आपको इस साल नज़र आ रही है KKR के स्क्वाड में. लेकिन KKR के पास पंजाब की तरह एक छोटा सा इशू है, चॉपिंग एंड चेंजिंग हर वक्त हर जगह होती हुई नजर आती है, चाहे वो आपका टॉप ऑर्डर हो, चाहे वो आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन हो. इवन कैप्टनसी हमने लास्ट सीजन देखा कि मिडल ऑफ द टूर्नामेंट कैप्टनसी भी चेंज की गई. तो आई होप इस साल जो KKR की साइड है वो थोड़ी सी ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आए, ज्यादा सेटल्ड नजर आए और जो फैंस हैं KKR के वो अच्छे रिजल्ट्स देख सके. KKR की फैन बेस बहुत सॉलिड है. शाहरुख खान टीम के ओनर हैं, कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से टीम जो है टीम की बहुत सॉलिड फैन बेस है. सो होपिंग दैट द फैंस विल हैव अ गुड सीजन एंड द टीम विल हैव अ गुड सीजन. लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स दैट आई सी इन दिस KKR साइड. और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे इस KKR साइड में नजर आती है वो है इन द फॉर्म ऑफ देयर कैप्टन ओयन मॉर्गन. कमाल के प्लेयर हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड्स दैट वी हैव इन दिस डे एंड एज. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बड़ी उनकी लाजवाब है. ऑफकोर्स उनका अपना जो स्किल सेट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो भी इनक्रेडिबल है. इंग्लैंड को लिमिटेड ओवर्स में लीड करते हैं, KKR को लीड कर रहे हैं. लास्ट सीजन उनको मिडल ऑफ द टूर्नामेंट कैप्टनसी दी गई थी व्हेन DK स्टेप्ड डाउन टू फोकस ऑन हिज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. उसके बाद KKR ने इंप्रूव किया था अपनी परफॉर्मेंस में, बट इट वॉज अ लिटिल टू लेट. सो होपफुली इस साल जो ओयन मॉर्गन है पूरा टूर्नामेंट कैप्टन करेंगे. ही विल बी द कैप्टन फॉर द एंटायर टूर्नामेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो वी आर होपिंग टू सी गुड रिजल्ट्स. अब इनका अपना जो स्किल सेट है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, प्लानिंग है, गेम प्लान है, वो तो कमाल है ही. उसके साथ अगर उनको सपोर्ट मिल जाती है ना स्क्वाड की, लड़कों की, तो डेफिनेटली एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है. एंड आई डू सी ओयन मॉर्गन बीइंग समवन हु विल ऐड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू दिस KKR साइड. अब KKR की साइड की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक और छोटी सी चीज़ मुझे नज़र आती है जो एक एडवांटेज रहेगा इस टीम के लिए, और वो ये है कि KKR ने अपनी कोर ऑलमोस्ट पूरी ही रिटेन की है. ऑल्दो दे डिड नॉट हैव अ ग्रेट रिजल्ट लास्ट सीजन, 5 नंबर पे उन्होंने अपना सीजन ख़त्म किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोर जो है अपनी रिटेन की है, विच इज़ गोइंग टू बी एन एडवांटेज. वाई डू आई से सो? क्योंकि प्लेयर्स के बीच में केमिस्ट्री ऑलरेडी है, कम्फर्ट जोन ऑलरेडी है, एक दूसरे को समझते हैं, तो ये एडवांटेज बनकर आएगा. कोर मैं आपको बताती हूँ, मॉर्गन भी हैं लास्ट सीजन से इस साल, दिनेश कार्तिक इज ऑल्सो देर, शुभमन गिल, नितेश राणा, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, पैट कमिंस. तो उन्होंने अपनी कोर और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन डेफिनेटली जो कोर की रिटेंशन है ना ये एक किस्म की स्ट्रेंथ होगी. मे बी नॉट द बिगेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ्स दैट KKR विल हैव, बट सर्टनली अ पॉइंट विच विल हेल्प द टीम. यंग एंड प्रॉमिसिंग शुभमन गिल एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. जी हाँ, मैं उनको अपॉर्चुनिटीज में डालने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा अपॉर्चुनिटी तो ये है ही, बट आई थिंक ही इज अ प्लेयर हु विल स्ट्रेंथन दिस KKR साइड लाइक नथिंग एल्स. मैं इतना हाईली रेट करती हूँ.
कुछ लोगों को इनसे शिकायत लास्ट सीजन ये थी कि जब ये आते हैं स्पेशली व्हेन ही कम्स इन राइट ऑन टॉप तब ये पावर प्ले उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल वो इस चीज़ पे भी काम करेंगे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे रन बनाएंगे। ही वॉज द हाइस्ट रन स्कोरर फॉर हिज टीम कोलकाता लास्ट सीजन। बड़े वर्सेटाइल प्लेयर हैं, जिस नंबर पर भी आए लास्ट सीजन के एक यार के लिए अच्छा ही परफॉर्म किया और आई थिंक इस साल उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और टीम के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मेजर किस्म की स्ट्रेंथ बनकर ये सामने आएंगे। ओवरऑल जो बैटिंग है केकेआर की वो ठीक ही है, लेकिन जो इनकी मिडल ऑर्डर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा सॉलिड लग रहा है मुझे, कि इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है मोस्ट डेफिनेटली इनका मिडल ऑर्डर। इनके पास हैं द लाइक्स ऑफ नितेश राणा, द लाइक्स ऑफ ओएन मॉर्गन, द लाइक्स ऑफ दिनेश कार्तिक और अब इस साल तो शाकिबुल हसन की इंक्लूजन भी हुई है, विच आई थिंक इज एन एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग इंक्लूजन। ज़बरदस्त एक एडिशन है केकेआर के स्क्वाड में शाकिब की और ये बैटिंग में भी डेप्थ स्पेशली मिडल ऑर्डर्स में आके प्रोवाइड करेंगे। सो मोस्ट डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज है केकेआर के पास इनका मिडल ऑर्डर। अब जो मैंने आपको इतने सारे प्लेयर्स बताए हैं इनमें से कुछ प्लेयर्स जबरदस्त फिनिशर्स हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ रहेगी, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा जो केकेआर के पास हमें नजर आ रहा है। ओएन मॉर्गन जबरदस्त फिनिशर हैं, इस रोल में हमने उनको कई बार देखा है, बड़े सक्सेसफुल फिनिशर हैं और मोस्ट डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं केकेआर के लिए। फिर उनके पास दिनेश कार्तिक भी हैं, शाकिबुल हसन की इंक्लूजन के बारे में मैं जितना कहूँ कम है, वो भी फिनिश कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, कितना अच्छा उन्होंने किया हुआ है इन द पास्ट। देन ऑफ कोर्स देयर इज आंड्रे रसल, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द फॉर्मेट, ही हैज द एबिलिटी टू टर्न द गेम अराउंड इन द टीम्स फेवर ऑन हिज डे। सो डेफिनेटली ये जो फिनिशर्स हैं केकेआर की ये उनकी स्ट्रेंथ रहेंगे। केकेआर का जो स्पिन डिपार्टमेंट है मोस्ट डेफिनेटली एक और बहुत सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनकी एक स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है। जबरदस्त वर्ल्ड क्लास स्पिन ऑप्शंस हैं टीम के पास और वैरायटी भी है स्पिन डिपार्टमेंट में। वरुण चक्रवर्ती हैं, मिस्ट्री स्पिनर कमाल के बॉलर हैं, लास्ट सीजन केकेआर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हाईएस्ट विकेट टेकर थे इनफैक्ट केकेआर के लिए वरुण, इस सीजन भी अच्छा कर सकते हैं। शाकिब की इंक्लूजन वंस अगेन एब्सोल्युटली विल ऐड मोर स्ट्रेंथ, हैंडी एक बॉलर हैं, अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और स्पिन डिपार्टमेंट को मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद हरभजन सिंह की इंक्लूजन हुई है इस साल, विच विल बी अनदर गुड इंक्लूजन, उनको भी रोप इन किया गया है। कुलदीप हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम ऑन हिज डे, कुलदीप कैन ऑल्सो बी एब्सोल्युटली अ मैच विनर। और आपके पास पवन नेगी भी हैं, सुनील नारायण भी हैं, लास्ट सीजन थोड़ा सा इश्यू हुआ था सुनील के बॉलिंग एक्शन को लेकर, बट होपफुली इस साल हमें ऑल टुगेदर ये स्पिन डिपार्टमेंट आकर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और डेफिनेटली पूरे आईपीएल के जितने भी टीम्स हैं ना, अगर आप उनके स्पिन डिपार्टमेंट्स को कंपेयर करो तो मेरे ख्याल से केकेआर का जो स्पिन डिपार्टमेंट है सबसे स्ट्रांग और सबसे सॉलिड है। छोटी सी कंडीशन एक ही है कि कुलदीप अपना यूजुअल सेल्फ लगे, जितने हमें वो पहले प्रॉमिसिंग लगते थे, मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैंने हमेशा तारीफ की है, होपफुली इस सीजन हमें अपनी दोबारा से वो चार्म दिखाते हुए नज़र आएंगे। वरुण की फिटनेस को लेकर कुछ सवालियाँ निशान है, सुनील नारायण के बॉलिंग एक्शन को लेकर भी कुछ थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी थी लास्ट सीजन, होपफुली एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड वी विल सी केकेआर स्पिन डिपार्टमेंट क्लिकिंग एंड ट्रबलिंग एवरी ऑपोजिशन। अब थोड़ी सी इस टीम की वीकनेसेस पे भी नज़र डाल लेते हैं और एक जो छोटा सा स्ट्रेट ऑफ द बैट मुझे इशू केकेआर की इस टीम के साथ नज़र आ रहा है वो है द लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस व्हेन यू टॉक अबाउट सम ऑफ देयर इंडियन प्लेयर्स, मतलब जो इनके इंडियन प्लेयर्स हैं उनमें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एक्सपोजर है जो थोड़ा सा कम लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है, ये थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा वीक करता है स्क्वाड को। साथ ही साथ टॉप ऑर्डर में भी थोड़ा सा मुझे एक इशू फील हो रहा है, टॉप में आपके पास कुछ प्लेयर्स हैं लेकिन अगर वो प्लेयर इंजर्ड होता है या अगर उसकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगती या परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जाती या कोई भी वजह से वो नहीं खेल सकता तो आपके पास रिप्लेसमेंट्स भी नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि शुभमन गिल की या इवन नितेश राणा की कौन रिप्लेसमेंट है, फॉर इंस्टेंस इफ दे नॉट परफॉर्मिंग वेल हु इज गोइंग टू, इफ दे सिट आउट हु इज गोइंग टू कम इन एंड रिप्लेस देम। थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा इशू हो सकता है, आई नो सुनील नारायण ने भी लास्ट सीजन ओपन किया था बट डू वी रियली वांट हिम टू कम आउट एंड ओपन, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। और जो पेस अटैक है वो भी थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस ही है, फर्दर बिल्डिंग ऑन माय फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इंडियन प्लेयर्स में मुझे इनएक्सपीरियंस लग रहा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा कम है और वो पेस अटैक में भी नज़र आ रहा है। आप चाहे शिवम मावी की बात करें
प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑफ लेट अपना डेब्यू किया था इन द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, द ओडीआई सीरीज इंप्रेस भी किया था, बट इतने ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना वो. कमलेश नागरकोटी, संदीप, वैभव अरोड़ा की मैंने काफी तारीफ सुनी है, बट अगेन अ लिटिल इनएक्सपीरियंस. अच्छे ओवरऑल ये लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है. पेस अटैक अब आपको पता है, स्पेशली मुंबई में, दिल्ली में, इवन बैंगलोर में आपको जरूरत रहेगी पेस की. आई नो इंटरनेशनल में आप कहीं ना कहीं यू आर मेकिंग अप फॉर इट, देयर आर अ कपल ऑफ इश्यूज इन द इंटरनेशनल पेस अटैक और द कॉम्बिनेशंस व्हिच आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट, बट फॉर नाउ मैं इंडियन पेस अटैक को थोड़ा सा वीक इसलिए समझती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है. फॉरेन प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन को लेकर भी थोड़ा सा मुझे इशू नजर आ रहा है. मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया कि इंडियन पेस अटैक थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, वीक नहीं है नेसेसरीली लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड है, और उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, इसमें मजीद उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यू वुड वांट सम सीजन कैंपेनर्स. आपके पास लॉकी फर्गसन है, पैट कमिंस हैं, दोनों ने ही आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. दोनों को अगर इंक्लूड करते हैं पेस अटैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो फिर दो तो ये हो गए. तीसरा आपके रहेंगे कैप्टन ओवेन मॉर्गन, उनको तो ऑब्वियसली आप खिलाओगे. फोर्थ मोस्ट लाइकली वुड बी शाकिब अल हसन बिकॉज ही एड्स सो मच वैरायटी टू द प्लेइंग कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर आप इनको बिठाते खिलाते हो तो क्या आप आंड्रे रसेल को बाहर बिठाओगे जो इतने कमाल प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के, या क्या आप सुनील नारायण को बाहर बिठाओगे? और अगर आप ड्रे रस को या सुनील को अकोमोडेट करने के लिए पैट कमिंस या लॉकी फर्गसन में से किसी एक को बाहर बिठाते हो तो क्या आपका पेस अटैक फिर से मजीद वीक नहीं हो जाएगा? ये एक छोटा सा इशू है. और साथ ही साथ एक और इशू मुझे लग रहा है कि डेथ बॉलिंग का है. प्रसिद्ध कृष्णा आई नो कैन डू वेल, ही डिड वेल, ही इज डन वेल इन द पास्ट ऑल्सो, शायद उनको यूटिलाइज किया जाए, लेकिन उसके अलावा इतनी ज़्यादा, मतलब आपके पास अच्छी पेस ऑप्शंस तो हैं लेकिन डेथ में आके आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहती. कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये भी एक छोटी सी वीकनेस है जो केकेआर की साइड में मुझे नजर आ रही है. कॉम्बिनेशन अपना एकदम से फिगर आउट करना पड़ेगा केकेआर को. फ्रॉम द वर्ल्ड गो दे हैव टू एब्सोल्युटली कम एंड बी श्योर कि उनका मैच विनिंग कॉम्बिनेशन ये है, मैच विनिंग कॉम्बिनेशन की रिप्लेसमेंट्स ये है, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, क्योंकि लास्ट सीजन भी थोड़ा सा इशू केकेआर को यही हुआ था कि उनको ज़्यादा टाइम लग गया था अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को फिगर आउट करते करते. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ लिटिल बिट टू लेट एंड दे वर नॉट एबल टू इम्प्रेस लास्ट सीजन, बट होपफुली वी कैन सी दैट चेंजिंग इन द अपकमिंग एडिशन ऑफ द IPL. Let's now move on and talk a little bit about some of the opportunities that Kolkata will be enjoying in the upcoming season. And I think ek jo opportunity mujhe saaf nazar aa rahi hai wo inka combination hai when you talk about experienced players and younger players. Matlab young players, fresh blood aur seasoned campaigners ka jo mix hai na, jo combination hai, wo is team ke paas kafi kamaal hai, jo ek achhi si opportunity se present karega Kolkata ki team ko. Agar aap younger lot ki baat kare to I think I would like to begin by talking once again about Varun चक्रवर्ती. कमाल के प्लेयर हैं, कोलकाता की टीम के लिए ही कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. जब थोड़े से सीजन कैंपेनर्स लाइक कुलदीप फॉर इंस्टेंस वाज नॉट क्लिकिंग, सुनील नारायण के भी थोड़े से इश्यूज थे, ही स्टेप्ड अप, वरुण स्टेप्ड अप, ही ट्राइड टू फिल इन द बूट्स, डिड वेल, बहुत सारे विकेट्स लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे अपनी टीम के केकेआर के लिए, और इस साल भी अपनी टीम को अच्छी अपॉर्चुनिटी से प्रेजेंट करेंगे. होपफुली फिटनेस कार्ड का कोई इतना इशू नहीं रहेगा. प्रसिद्ध कृष्णा, विजय हजारे में अच्छा परफॉर्म किया, इंटरनेशनल कॉल अप आया टू कम एंड रिप्रेजेंट टीम इंडिया इन दी ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें भी इम्प्रेस किया. होपफुली केकेआर में भी इम्प्रेस करेंगे. उनके टीम के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी बनकर आएंगे ही, उनके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वर्ल्ड कप का साल है, अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, यू नेवर नो, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी उनका नाम आ जाए, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में. दैट इज अनदर बिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दैट आई सी फॉर प्रसिद्ध कृष्णा हिमसेल्फ, इज द फैक्ट कि वो बड़े बड़े बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स पैट कमिंस के साथ खेल रहे होंगे, तो ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम. सो इट्स अ टू वे अपॉर्चुनिटी दैट आई सी देयर. वैभव अरोड़ा एक नई इंक्लूजन है, नए रिक्रूट हैं केकेआर के स्क्वाड में, आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आ सकते हैं. इनके नाम, मतलब जब आया ऑक्शन में, व्हेन ही गॉट पिक्ड इनटू द ऑक्शन टू रिप्रेजेंट केकेआर, उसके कुछ ही दिन बाद विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने हैट्रिक ली, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे बॉलर बन सकते हैं. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं ये केकेआर को. टीम के अपने एनालिस्ट, केकेआर के अपने एनालिस्ट ने इनकी बड़ी तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि जो इनका स्किल सेट है, ही इज़ अ पेस बॉलर, फास्ट बॉलर है, लेकिन इनका स्किल सेट बाकी जो इनके पास बॉलर्स हैं केकेआर के पास, उनसे काफ़ी डिफरेंट है. सो ये वैरायटी ऐड करेंगे और मजीद स्ट्रेंथन करेंगे. आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हिम बॉल एंड वॉचिंग हिम प्ले. कमलेश नागरकोटी, आई होप ही कैन पिक अप फ्रॉम वे ही लेफ्ट, अनदर गुड ऑप्शन, डेफिनेटली इंप्रेस किया था इन्होंने हमें अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, और टीम के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आ सकते हैं.
सीजन्ड कैंपेनर्स की बात करें तो शाकिब उल हसन, उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं वो इस टीम को। वर्सटाइल प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं कमाल, बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं तो वो ठहराव भी देते हैं और वो जो लैक ऑफ बैलेंस है कहीं ना कहीं उसके लिए भी ही विल मेक इट अप फॉर इट। वर्ल्ड कप में कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, पूरी दुनिया में लीग्स खेल चुके हैं और कितना अच्छा डिफरेंट टीम्स के लिए परफॉर्म करते हैं, वी ऑल नो इट। डेफिनेटली आई डू सी हिम एज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट कोलकाता नाइट राइडर्स हैज। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सम ऑफ द थ्रेट्स, कुछ खतरे की घंटियां जो हमें केकेआर की टीम में नजर आ रही हैं। और एक खतरे की घंटी जो सबसे बड़ी मुझे लग रही है वो है इन द फॉर्म ऑफ आंड्रे रसल, और आंड्रे रसल की फॉर्म और फिटनेस, और उस फॉर्म और फिटनेस का एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट होना बहुत हैवीली रिलाय करती है केकेआर की टीम आंड्रे रसल पे। टीम के एक बड़े इंटेग्रल मेंबर हैं और लास्ट सीजन हमने देखा कि कुछ इतनी अच्छी फॉर्म और फिटनेस नहीं लगी हुई थी, टीम स्ट्रगल करती हुई सफ़र करती हुई नजर आई। टीम ओवर रिलाइज ऑन हिम एंड व्हेन ही इज़ नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म, व्हेन ही इज़ नॉट इन हिज बेस्ट फिटनेस, द टीम स्ट्रगल्स। तो टीम के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है आंड्रे रसल की फॉर्म और फिटनेस, जिसका अच्छा होना टू द पॉइंट टू द मार्क होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ दूसरा जो फैक्टर है, दूसरे खतरे की घंटी है, दूसरा थ्रेट भी फॉर्म और फिटनेस से ही रिलेटेड है और वो है वरुण चक्रवर्ती को लेकर। मतलब लास्ट सीजन कमाल परफॉर्म किया था, टीम हेविली रिलाय करी, मिस्ट्री स्पिनर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है केकेआर के लिए, केकेआर की सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ऑफ लेट ही हैज़ बीन इन द न्यूज़ नॉट फॉर द बेस्ट रीजंस। इंडिया कॉल अप आने ही वाला था, इंटरनेशनल कॉल अप आने ही वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम फिटनेस इश्यूज वो नहीं आया। और अब उनकी फिटनेस किस किस्म की है ये भी अब हमें नहीं पता, ये भी एक मिस्ट्री है उनकी बॉलिंग की तरह। बट वी आर होपिंग दैट ही इज इन गुड फॉर्म अलॉन्ग विद हिम, ड्रे रस इज इन गुड फॉर्म एंड दे बोथ फिट, और अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर सके और जो हम डर रहे हैं ये हमारा डर गलत साबित हो। लेट्स नाउ रेट द टीम। आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने बड़े सोच के समझ के एनालिसिस करके सारी चीज़ों का कोशिश करती हूँ, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट रेटिंग आउट फॉर ऑल द टीम्स, और सब कुछ सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं इस टीम को दूंगी अ रेटिंग ऑफ 7 एट बेस्ट, 7 एट बेस्ट मैं इस टीम को रेट करती हूँ। आप लोगों की इस टीम को लेकर क्या रेटिंग है प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आप केकेआर के सपोर्टर हैं या केकेआर को आपको क्यों पसंद है ये भी मुझे आपने बताना है इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। With this, I come to the end of another video. I do hope you enjoy today's video. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज नई IPL 2021 के बिल्ड अप में जो हमने स्टार्ट किए ये आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आती है then please do like this video, do watch my other videos also. And I take you leave with the promise of returning again tomorrow with another brand new team analysis. Look after yourself. Goodbye.